अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या कर रही हो? अरे होश में आओ, पगला आ गई हो क्या? छोड़ो, फेंको इसको। एक बार हमारे पैर में कांटा चुभ गया था दीदी, आपने उस कांटे को सुई से निकाला था। आज कांटा हमारे कलेजे में चुभा है दीदी, उसके लिए तो छुरा लगेगा ना। कौन अपने ही सगे बेटे को घर से निकालने पे उतारू हो जाता है, उसके लिए जो इस घर का अंश है ही नहीं। अरे निकाल दीजिए जो कलेजा हमारे सीने से, उसका दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लीजिए ये चुरा, उस कलेजे को हमारे सीने से निकाल दीजिए दीदी, दर्द हम नहीं सहन कर पाएंगे, दर्द हम नहीं सहन। अरे छोड़ो, नहीं कर पाएंगे दीदी। अरे सुन, क्या कर रही है? सुरभि जी, सुरभि जी क्या कर रही है आप? संभालिए अपने आप को, संभालिए। और अंशुमन हमसे छिन जाएगा, हमारी ममता पे दोष आ जाए, उसके मन में हमारे लिए सवाल उठ जाए, उससे अच्छा है तो मर जाए जाजी। पागलपन की बातें मत करो छोटकी बहू। एक हालात की हमारी ममता ऐसी बात ना करे तो क्या करेगी बाबूजी? पता नहीं क्या हो गया है छोटकी समदन जी को, बेटे के मुंह में कोई अपनी जान लेता है का? अब अंशुमन जी नहीं है इस खानदान का खून तो क्या हो गया? धोखा तो हमारे साथ हुआ है, अब हम करें भी तो क्या करें? कर, पता नहीं इस परिवार को किसकी बुरी नजर लगी। भाभी, अब तक आपने जो कुछ भी कहा है उसे हम संभालेंगे, अभी भी संभाल रहे हैं, लेकिन अब बस इस विषय पर आप अब कुछ नहीं बोलेंगी। अंशुमन आपका भी तो बच्चा है, इस परिवार का अंश है अंशुमन। आज एक सच है जो पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ा है, पता नहीं वो तो किस तरह उसे बर्दाश्त कर पाएगा या कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं हम, इस विषय पर अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मामी हमारा हाथ छोड़िए, बात चलो क्या? मामी प्लीज हमारा हाथ छोड़िए। चलो मामी, हाथ छोड़िए हमारा, क्या कर रही है आप? ये क्या कर रही हो बहुरिया? भाग्य बाबूजी, भाग्य। आज भाग्य से भी भरोसा उठ गया, पता नहीं ब्रह्मा जी से कौन सा कर्म लिखवा के लाई है ये लड़की अपने नसीब में। खुद तो अनाथ है ही, और किस्मत का खेला देखिए, भरे पूरे परिवार में जिसे इसने अपना पति चुना वो भी अनाथ निकला। बताइए, ब्याह हुआ है राय बहादुर खानदान के पोते से, लेकिन नियति अपना खेल खेल गई, और इसकी किस्मत में आया वही ढाक के तीन पाल, अनजान अनाथ लड़का, पता नहीं किसका खून है, कहां से आया है। उर्मिला, अरे मती मारी गई है क्या तुम्हारी? क्या बकरी हो आप? तो बस चुप ही करिए, आपकी बुद्धि पे ना पर्दा पड़ा है। अंशुमन बाबू काहे का बाबू? अनाथ का भी कोई जाति धर्म होता है का? कैसे स्वीकार कर ले उसे, कैसे मान लो अनाथ को अपना दामाद? उर्मिला मामा जी, ऐसे कठिन समय में ये बात करके ना तुमने अपना छोटापन दिखा दिया बहुरिया। ये समय सवाल करने का नहीं है, एक दूसरे का साथ देने का है। सवाल तो हमारे मन में भी बहुत सारे उठ रहे हैं बाबूजी, बात भले ही हमारी जहरीली लगे पर व्यवहार भी हमारा ऐसा नहीं रहा कि कोई हम पे भरोसा करे। बाकी जो हम कह रहे हैं सुमन के भले के लिए कह रहे हैं। आज बड़की समधन ने अंशुमन बाबू के खून पे सवाल उठाया है, कल ये भी सवाल उठेगा कि अंशुमन बाबू जब इस खानदान का खून है ही नहीं तो जमीन जायदाद पे कैसा हिस्सा? फिर दोनों काम करेंगे, रोड रोड करेंगे। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, हम सुमन के लिए अंशुमन बाबू के हिस्से की बात अभी रखेंगे, नहीं तो सब कुछ नंदन लेकर फुर हो जाएगा। इन दोनों के पास कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा बाबूजी। मामी तो चुप कर,
जिसके माथे से राय बहादुर खानदान का तमगा उठ गया, उसके पास बचेगा क्या? बस बस कीजिए मामी, हमारे माथे के सिंदूर में, हमारे गले के मंगलसूत्र में, और सबसे बड़ी बात, हमारे मन में सिर्फ अंशुमन जी का नाम लिखा है। इनमें कोई राय बहादुर खानदान का तमगा नहीं लगा है। और आप तो अच्छे से जानती हैं, सुहाग से बढ़कर और कोई संपत्ति नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि जब जीवन साथी का साथ हो तो उसके सामने कोई भी संपत्ति फीकी पड़ जाती है। और हमने अंशुमन जी को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है, उनके धन दौलत को नहीं। अंशुमन जी दिलेश झा, अगर ये मेरी पहचान नहीं है तो फिर कौन हूं? हम बस इतना जानते हैं सुरभि जी, अब बात आगे नहीं बढ़ेगी, इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं करेगा। कुछ भी करे जाजी, कुछ भी, हमारा अंशुमन चिन्ना नहीं चाहिए। हमारी सासों की चोट, हमारे सासों की डोर उसके माँ कहने से छुड़ी है। उसकी हर एक सांस, उसके हर एक एहसास को पहचानते हैं। अगर अंशुमन से छिन गया तो हम तो मर जाएंगे चाचा, हम तो मर जाएंगे। सुरभि क्या कह रही हैं आप? मेहरबानी करके आप मरने की बात ना करें, हम आपको वचन देते हैं सुरभि जी, अंशुमन को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा कि वो कौन है, किसका खून है। पर आप ये मरने वाली बात ना करें। जबकि अंशुमन का इस खानदान का अंश ही नहीं है।